मेरे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है, बहुत ही एक उपलब्धि की बात है और एक उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि मुझे एफटीआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये ऐसे मौके पर आया है मेरे पास ये पदवी या मेरे पास ये जॉब, जब मैं रिलैक्स हूँ और मैंने काफ़ी 45 साल तक थिएटर में काम किया है, डिफरेंट किस्म के सिनेमा में काम किया है, अलग अलग भाषाओं में काम किया है, हिंदुस्तान की वर्ल्ड थिएटर पे काम किया है, वर्ल्ड सिनेमा में काम किया है, तो मेरे पास सिवाय एक्सपीरियंस के और कुछ ही, मैं कहूँ कि मुझे पता है कैसे चलाना है, मुझे चलाना नहीं है। वहाँ पर एक सशक्त बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, टीचर्स हैं, बट ये है कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मेरे पास स्ट्रगलिंग का भी एक्सपीरियंस है। 3 साल मैंने मुंबई की सड़कों की खाक छानी है, क्योंकि पढ़ाई तो करके आ जाते हैं, फिर यहाँ पर तो शुरुआत ज़ीरो से करनी पड़ती है ना। तो ये सब चीज़ों का मैं स्टूडेंट्स के हाथ मिलकर, उनके साथ चलकर मैं इस यात्रा पे चलना चाहूँगा, नॉट एज देयर लीडर बट एज देयर उनके साथ चलने वाला एक पदयात्री। मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, क्योंकि फ्राइडे तक मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता। मुझे तो अभी ऑफिशियल लेटर भी नहीं मिला है, बट मुझे ये लगता है कि हम सब लोग मिलकर, स्टूडेंट्स और हम मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस से और उनके एंथुजियाज़म से और उनके लर्निंग इनिशिएटिव से। मैं तो सिवाय खुशी के और सिवाय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई प्रेशर थोड़ा है, मुझे कुछ प्रूव थोड़ा करना है। जब अगर जब मेरे इरादे अच्छे हैं और मैं हेल्प करना चाहता हूँ, तो इसमें प्रेशर नहीं है, इसमें एक्साइटमेंट है। हाँ, स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि किसी एक ऐसे इंसान को ऐसी उपाधि दे दी गई है जो वो डिज़र्व नहीं करता है, तो उनका रोष समझ में आता है। मैंने भी इसका जिक्र किया था लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, मगर मैं उस बैगेज के साथ चलना ही नहीं चाहता कि आज से पहले क्या हुआ। मैं एक नए सिरे से इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ और नए सिरे से इसको मैं एक मुकाम तक ले जाना चाहता हूँ, और वो मुकाम तक मैं अकेले नहीं पहुँचना चाहता, अकेले पहुँच भी नहीं सकता। उस सब के लिए मुझे वहाँ के टीचर्स की, वहाँ के स्टूडेंट्स की, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे कहते ना कि जो जिस पेड़ पर ज़्यादा फल लगे होते हैं वो झुका रहता है, मैं वैसे ही झुक के वहाँ काम करना चाहता हूँ।